अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी कि मलाई से मक्खन कैसे बनाते हैं। ये देखिए, मैंने एक टोप भर के ये मलाई जमा करी थी। ये 20 से 25 दिनों की मलाई है और मैंने इसको फ्रीजर में रखी थी, और फ्रीजर में से निकाल के इसकी ठंडक ख़त्म होने के लिए मैंने इसको 6 से 7 घंटे के लिए बाहर ऐसे निकाल के रख दी थी फ्रिज में से। तो इसको अभी मैं बताती हूँ कैसे इसका मक्खन तैयार करते हैं। इसको मैं साइड में कर दूंगी, ऐसे बड़ा सा टोप लूंगी, इस टोप में ये सारी मलाई निकाल लूंगी। एक चम्मच की मदद से ये सारी मलाई मैं इसमें निकाल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसकी ठंडक पूरी अच्छे से ख़त्म हो चुकी है और ये आराम से टोप में से निकल रही है। और याद रहे कि मलाई जमा करते समय हमें ऊपर फ्रिज में ही हमको, मतलब फ्रीजर में ही हमको मलाई को रखना है। उससे ये बहुत दिन तक अच्छी से रहती है, फ्रेश रहती है। माशाल्लाह, ये देखिए ढेर सारी मलाई जमा हो चुकी है। दबा दबा के मैं इसमें भर भर के रखती थी मलाई। ये अच्छे से मैंने दूसरा वाला टोप साफ करके मलाई निकाल ली हाथ की मदद से। चम्मच में भी बहुत सारी लगी हुई है, इसको भी अच्छे से साफ करके निकाल ले। अब मैं इसे हाथों की मदद से ही अच्छे से फेंट लूँगी। आप चाहे तो ऐसी फिरकी से भी फेंट सकते हैं, लेकिन मैं इससे नहीं फेंटूँगी, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं हाथ की मदद से इसे फेंटूँगी और अच्छे से हो भी जाएगा। और याद रहे कि हमें टोप बड़ा लेना है। ये टिप के हिसाब से बोल रही हूँ मैं आपको कि टोप हमें बहुत ज़्यादा बड़ा लेना है, मलाई से ज़्यादा, क्योंकि मलाई कम भी हो तो टोप को हमें बड़ा ही लेना है। और ये मलाई मेरी बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा मलाई है, कम से कम 1-1.5 किलो जितनी मलाई है ये। तो मैं इसे हाथों की मदद से फेंट लूँगी और हाथों को पहले अच्छे से साफ से धो ले। उसके बाद में ये सारा काम करें। इसी तरह हाथों की मदद से इसे फेंटते जाना है। इससे हमारी बहुत अच्छी मक्खन तैयार होंगी और बहुत मिनटों में, बहुत जल्दी, मिनटों में, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। एकदम आराम से इसका मक्खन निकल जाता है। आप चाहे तो इसे ब्रेड में, पाव में या फिर नाश्ते में कोई भी चीज़ के साथ आराम से खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं इसे इसी तरह हाथों की मदद से फेंटते जाऊँगी ऐसे। ये देखिए, इसे ऐसे ही फेंटते जाना है जब तक कि ये अच्छे से, इसकी मलाई छूट नहीं जाती पूरी अच्छे से एकदम, मतलब इसका दूध नहीं निकलने जाता है ना, दूध निकलने तक इसको ऐसे ही इसी तरह से हमें चलाते रहना है हाथों से। ये अच्छे से देखो, ऐसे सॉफ्ट होने लगा है, इसका दूध भी छूट जाएगा, अभी छूटने लगा है दूध। दूध छूटने के बाद इसका मक्खन एकदम अच्छे से तैयार होने लगता है। इसी तरह इसे लगातार चलाते जाना है।
आप देख सकते हैं, देखिए हल्का हल्का छूटने लगा है दूध। ये देखिए दूध छूटने लगा है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है इसमें, मेहनत लगेगी इसमें थोड़ी, लेकिन चीज़ भी अच्छी बन के तैयार होगी। ये देखिए दूध छूटने लगा है, देखिए कितना घट घट हमारा मक्खन तैयार हो रहा है। अब मक्खन बनने के बाद ये हाथों में चिपकेगा भी नहीं। ये देखिए इस तरह से गोले बन के तैयार होंगे इसके। ये देखिए दूध छूट रहा है इसमें। हमें इसको इस तरह से ही फेंटते रहना है जब तक कि इसका दूध अच्छे से निकल नहीं जाता। ये देखिए ढेर सारा दूध निकल गया। देखिए ये देखिए कितना सारा ढेर सारा दूध इसमें से निकल चुका है माशाल्लाह। ये देखिए और मक्खन भी हमारा निकलना शुरू हो गया। ये देखिए मक्खन, बस इसे इसी तरह से चलाते रहिए बस अच्छे से मक्खन निकलने तक। हाथों की मदद से ही अच्छे से निकल जाता है और उसे मालिश भी अच्छे से मिलती है हाथ से ही। देखिए अभी हाथ पे भी नहीं चिपक रहा है, अपने आप ही छूटने लगा है। देखिए बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकेगा अभी। बस अभी 5 मिनट और इसी तरह हाथों की मदद से इसे गूंदे, मक्खन अपने आप पूरा छूट जाएगा। ये 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फिर से फेंट ली हाथ की मदद से। अब इसका दूध एकदम अच्छे से पूरा निकल चुका है। अभी मैं बड़े टब में पानी लूँगी, इसको साइड में कर देती हूँ। देखिए इस तरह के टोप में पानी लूँगी। अब दूध इसका अच्छे से छूट जाने के बाद देखिए मैं इसके इसे एक ही हाथ से इसे गोले बना लूँगी। माशाल्लाह ये देखिए कितने अच्छे से हमारा मक्खन तैयार है, इसका दूध निकल ही रहा है अच्छे से। दूध को नितारते हुए ये पानी में छोड़ूंगी ताकि दूध जो बचा कुचा उसमें लगा हुआ है अच्छे से धुल जाए। ये देखिए एकदम बड़े बड़े गोले बन रहे। इस तरह से इसके गोले बना लूँगी माशाल्लाह। ये देखिए बड़े बड़े 3 गोले बन गए।
देखिए इस तरह से, अब साइड का जो लगा बचा कुचा लगा हुआ है इसको भी अच्छे से निकाल लें। अभी टोप को मैं साइड में कर देती हूँ। इसके दूध को इस तरह से इसमें एक दो मिनट के लिए रखूँगी। अभी ठंडी का मौसम है ना, तो इसके लिए इसको ठंडा पानी नहीं लगेगा, जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं ना रेगुलर घर में, तो वही पानी लगेगा इसको। इसका देखो दूध एकदम अच्छे से छूट चुका है। एक दो मिनट के बाद इसे हम दूसरे प्लेट में सर्व कर लेंगे, निकाल लेंगे मतलब। ये देखिए दूसरे बर्तन में मैंने दूध निकाल ली, ये वाले टोप में जो पहले मलाई जमा करके रखी थी उसमें, और इसको भी मैंने एकदम अच्छे से हाथों की मदद से आजू बाजू की सारी मलाई पूरी अच्छे से साफ़ कर ली। और इसमें देखो इतनी सारी है, जो छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं ना, ये सब इतनी सारी इसमें फिर से मलाई निकली। अभी टोप को मैं साइड में कर दूँगी और ये निकाल लूँगी प्लेट में। इसे अच्छे से हाथों की मदद से हिला के दो तीन मिनट इसको पानी में रखना है, उसके बाद में एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए मक्खन का पहला गोला हमारा बनके तैयार है, इतना बड़ा माशाल्लाह देखिए। दूसरा भी इसी तरह से मैं तैयार करूँगी। इसी तरह से मैं दोनों तीनों गोले तैयार कर लूँगी इसी तरह से, देखो हाथों की मदद से पानी में डिप करें इस तरह से, और इस तरह से इसका गोला तैयार करें। बिल्कुल हाथों में नहीं चिपकेगा ये, और ज़्यादा बर्तन गंदे किए बगैर मैंने ये सारा काम करी हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी मलाई से मक्खन नहीं बनता है, तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छे से मक्खन तैयार होगा। जिस तरह से मैंने वीडियो में आपको बताई हूँ, इसी तरह से मक्खन बनाइए घर में और फ्रिज में रख के कई दिनों तक खाइए, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी लगता है। ब्रेड में पाव में चाय के साथ बहुत मस्त लगता है ये। इसी तरह से पानी को नितारते हुए देखिए दूसरा गोला भी हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है मक्खन का। इसका पानी नितारते हुए हमें ऐसे साइड में रख देना है प्लेट में। ये देखिए सारा एक्स्ट्रा दूध पूरा निकल गया इसमें का, आप देख सकते हैं पानी में सारा ये एक्स्ट्रा दूध था इसके अंदर, वो पूरा निकल चुका है। इस तरह से इसको चलाते हुए निकाल ले। आप चाहे तो इसका घी भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही मक्खन रख के ही खा सकते हैं बिना घी बनाए। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे गोले बनके तैयार है। इसको भी मैं साइड में निकाल के रख दूँ। ये देखिए तीन बड़े बड़े गोले हमारे मक्खन के तैयार हो चुके हैं। कम से कम 1.5 किलो जितना ये मक्खन है, हाथ में लेने के साथ एकदम वज़नदार लग रहा है ये। समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वज़न है ये, और 1.5 किलो जितना है ये। जितनी मलाई निकली थी उतने ही हमारा मक्खन निकला है माशाल्लाह। मक्खन निकल जाने के बाद ये बचा हुआ पानी हमने फेंक देना है। अभी पानी को मैं फेंक दूँगी। अब एक ज़बरदस्त टिप सुनिए मेरी, ये जो हमारा मलाई से जो दूध निकला था, ये वाला ये जो दूध निकला था, इसे हमने फेंकना नहीं है। अगर आपके पास घर में जमा किया हुआ दही है तो उसमें का एक चम्मच ले, उसे फेंटे और इसमें मिला दे, तो इसका भी दही एकदम घट और अच्छा
मज़ेदार बनेगा इसका दही, तो इसका दही बनाए। या तो फिर नहीं है घर में दही तो दुकान से रेडीमेड दही लाके एक चम्मच इसमें मिक्स कर दे, जिस तरह दुकान का दही है उसी तरह से ये घर में दही बन जाएगा बहुत अच्छा। और एक चीज़ से दो दो चीज़ें बन जाएगी। और तीसरी चीज़, इस मक्खन को आप चाहे तो ऐसे ही रख के खा सकते हैं या तो फिर इसका घी भी बना सकते हैं। तो मैं इसको दो गोले का घी बनाऊंगी और एक गोला फ्रिज में रख दूंगी, ऐसे ही मक्खन बना के इसको खाएंगे हम लोग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल MS रसोई व्लॉग को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए और मक्खन इस तरह घर में ज़रूर ज़रूर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।